वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की पावन पवित्र गुरबाणी का बचन है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जेडे साडे वड्डे वडेरे ने, साडे बाबे, साडे बजुर्ग, तिन्हां दीआं सूरबीरतां वालीआं कहानियां, गाथावां, नैतिकता भरपूर जीवन जीउण दी जाच दसण वालीआं ओह कहानियां गाथावां सतगुरु जी बख्शिश करदे ने। ओह गाथावां पुत्रां नूं सपुत्र बनाउण दी समर्था रखदियां ने। ऐसी ही एक महान गाथा दी सांझ आप जी दे नाल पाउण जा रहे हां। ओह महान सूरबीर योधे जिन्हां ने सोटे दे सिर ते खालसा राज स्थापित कर दिता सी। आओ बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी दे इतिहास बारे जानण दा यतन करिए। बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी दी इह गाथा 18वीं सदी दे महान इतिहास दे विचों है। 18वीं सदी का इतिहास असीं पढ़दे हां जिस समय मुगल हकूमत ने सिखां दा खुरा खोज मिटाउण दे लई अड्डी चोटी दा जोर लाया होया सी। जकरिया खां वर्गे बड़ा यतन कर रहे सन कि सिखां दा खुरा खोज मिटा दिता जाए, क्योंकि इको एक कौम सी जिहड़ी उस वेले मुगल सल्तनत दे लई, मुगल हकूमत दे लई एक तरह की चुनौती बनी हुई सी। सो सिखां दा खुरा खोज मिटाउण दे लई जकरिया खां ने सिखां दे सिरां दे मुल ला दिते, तो इतों तक कि सिखां दे सिरां दे वपार भी होने लगे। सिखां दा शिकार करके मंडियां दे विच, बाजारां दे विच वेचण लग पए। सो उस समय सिखां ने सिख कौम नूं जां सिखां दी होंद नूं बचाउण दे लई, सिख शक्ति नूं संगठित करन दे लई जंगलां दे वल रुख कीता। जंगलां दे विच रह के पत्ते टाहणियां खा खा के उन्हां ने अपने जीवन का निर्वाह चलाया। उस समय जकरिया खां ने एक ऐलान कर दिता कि मुगल सल्तनत ने, मुगलों ने सिखां दा खुरा खोज मिटा दिता है, सिख खत्म हो गए ने। जकरिया खां वल्लों फैलाई हुई यह खबर जदों बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी दे कन्नां दे विच पई, तो बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी ने सिखां दी हो रही इस निंदिया नूं सुणदिआं ही सीस कुरबान करन दा निश्चा कर लिया। सिंघां ने यह सलाह की कि सीस लगाए चर्चा होए, जग जो जाणे खालसा सोए। उन्हां दा यह मंतव सी कि किसे तरीके दे नाल कुछ ऐसा किया जाए तां जो साडी जिहड़ी है होंद दा अहसास है लाहौर हुकूमत नूं हो सके। सो इस तरीके दे नाल अब यहाँ कुछ दंगा मचाई है। उन्होंने सलाह की कि किसे तरह दा कुछ दंगा करिए तां कि तुरकण सिर दे झूठा कराई है। मंतव यह सी कि कुछ ऐसा दंगा करिए तां जो जिहड़ी जकरिए खां द्वारा फैलाई हुई झूठी खबर है उहदा झूठ जिहड़ा है जग दे विच जाहिर हो सके, ते जग नूं पता लग सके कि सिंह अजे मरे नहीं, सिंह अजे खत्म नहीं होए, सिंह अजे भी चढ़दी कला दे विच ने। सो इस तरीके दे नाल इस मंतव की पूर्ति दे लई कि साडी खबर जिहड़ी है सिखां दी होंद दा अहसास जिहड़ा है लाहौर हुकूमत नूं हो सके, इसलिए बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी नूर दी जिहड़ा पिंड है तरन तारण दे नज़दीक, जिहड़ा उस वेले जरनैली सड़क दे किनारे उपर सी, उत्थे दोवां योधिआं ने, सूरबीरां ने जाके कर अगराउणा शुरू कर दिता। उत्थे जाके नाका ला लिया जरनैली सड़क दे उपर, इस तरीके दे नाल कर उगराउणा, उह वी दूसरी हकूमत दे राज दे विच, इह उस वेले दी समें दी हकूमत दे लई, समें दी सरकार दे लई बड़ी वड्डी चुनौती सी। सो योधिआं ने, सूरबीरां ने, बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी ने जिहड़ा वी कोई आउंदा सी उहदे तों कर तां लैंदे सी, ते नाल इह गल कह दिंदे सी कि खालसा राज स्थापित हो गया है। हर पासे एक खबर फैलन लगी। बाबा बोता सिंह जी ने एक चिट्ठी भी लिख के लाहौर दरबार भेजी, जिस विच लिखिया सी कि चिट्ठी लिखे जो सिंह बोता, हाथ है सोटा विच राह खड़ोता, आना लाया गड्डे नूं, पैसा लाया खोता। सो इस तरीके दे नाल चिट्ठी लिखी गई। यह चिट्ठी लाहौर दरबार जकरिया खान दे कोल भी पहुंची। जदों जकरिया खान ने वह चिट्ठी पढ़ी तो गुस्से दे नाल लाल पीला हो गया। कहिंदे ने उस वेले उन्हें बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह नूं शहीद करन दे लई, खत्म करन दे लई वड्डी गिणती दे विच मुगलां नूं भेज दिता। सो उस वेले जिहड़ी जंग होई है उहनूं रतन सिंह जी भंगू जी ने बा कमाल पेश कीता है। रतन सिंह जी भंगू दसदे ने कि सिंघां दे कोल बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी कोल कोई ज़्यादा हथियार नहीं सन, केवल बाबा बोता सिंह जी कोल एक किरपाण ते एक सोटा सी, ते बाबा गरजा सिंह जी कोल एक नेजा सी। सो उस वेले जिहड़े मुगल आए सन उहनां कोल बा कमाल ते बड़े तरह के हथियार सन। उन्हां ने वड्डी गिणती दे विच आई मुगल सैना दा एक सोटे ते किरपाण दे नाल, नेजे दे नाल वाह कमाल टाकरा कीता।
कहिंदे ने बाबा गोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी ने बड़ी सूरबीरता दे नाल उस वेले मुगलां दा जिहड़ा है वह टाकरा किया। उस वेले जदों मुगलों ने हमला किया तो सब तो पहला कहिंदे ने मुगलों ने तीर चलाने आरंभ कर दिते, घोड़ियां दे उपर आए सन, तीरां दे नाल जिहड़ा है वार करना शुरू कर दिता। कहिंदे ने कि सिंघां ने बड़े हास रस दे नाल उन्हां तीरां दा जवाब दिता। जदों तीर सिंघां दे लगदे सन कहिंदे ने कि सिंघ वह लगा होया तीर पुट के सुट देंदे सन, तीर लग्या सिंघ पट सिटावै, पट के जल्दी दे नाल सुट देंदे सन, तुरकण कोसो अखी दिखावै, वह पुट्टिया होया तीर मुगलों वाल सुट के उन्हां नूं अखां दिखाउंदे सन ते कहिंदे सन सिंघ कहै त्रिग तुमरै तीर, सिंह कहिंदे सन ताडे तीरां ते लाणत है चीर ना सकै हमरो शरीर। कहिंदे ने ऐसे तीर जिहड़े लाणत दे पात्र ने, फिटकार योग ने, जिहड़े साडे शरीर नूं भी चीर नहीं सके। ऐसी सूरबीरता ऐसी चढ़दी कला दे नाल बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी लड़ रहे सन। इस तरीके दे नाल फिर जदों वड्डी गिणती दे विच मुगलों ने आण के हमला किया, घोड़ियां दे नाल हमला किया ते सिंघां दे नाल सिंघां ने एक व्यौंत बनाई। कहिंदे दोनों सिंघां ने पिठ नाल पिठ जोड़ के दोण सिंघण लई पिठ जोड़, दोवां सिंघां ने पिठ नाल पिठ जोड़ के सोटन सो जय घोड़े मोड़। कहिंदे ने सोटियां दे नाल ही वड्डी गिणती दे विच मुगलां दे आए हुए घोड़े मोड़ के रख दिते, घोड़ियां नूं भाजड़ां पा दित्तियां। जदों मुगलों ने सोचा कि ये इस तरीके दे नाल साडे बस दे विच आउण वाले नहीं, ये बड़े सूरबीर ने, बड़े योधे ने, कहिंदे ने उस वेले मुगलों ने फिर बंदूक का सहारा लिया, बंदूक के नाल सिंघां दीआं लत्तां दे उपर गोलियां चलाईआं गईआं। कहिंदे जदों लत्तां दे विच खब्बी लत्त ते जदों गोली वजी ते सिंघ इक्को लत्त दे नाल जंग दे विच लड़न लग पए, जदों दोनों लत्तां दे उपर गोलियां लग गईआं जख्मी हो गए ते सिंघ गोडियां दे भार लड़न लग पए। ऐसी महान सूरबीरता, ऐसी बहादुरी सिंघां दी। कहिंदे ने पर जिन्ना समा भी सिंघ लड़े ने सनमुख सूरे भिड़त हैं आखण आख मिलाए, अखां दे विच अखां पा के सूरे लड़ रहे सन, किसी प्रकार का कोई शिकवा कोई डर कोई भय नहीं सी उन्हां दे चेहरे ते, बड़ी सूरबीरता दे नाल सनमुख सूरे भिड़त हैं आखण आख मिलाए। सो इस तरीके दे नाल बड़ी सूरबीरता दे नाल बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी ने इस जंग दे विच लड़दे होया शहादत दा जाम पीता। बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह जी दी इस महान गाथा दे नाल महान इतिहास दे नाल सांझ पाउंदे आ, बेअंत प्रकार दीआं गलतियां भुलां दी खिमा बख्शिश करनी सतगुर जी कृपा करन, सानू भी ऐसे योधे सूरबीरां दे पाए हुए पूरनियां ते चलण दा बल उदम बख्शिश करन। अखीर ते बुलावो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।